नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलो, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इससे पहले जो वीडियो मैंने लिया था, उस वीडियो में हमने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से, अगर रॉड है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसी सेंटर में से पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ये हम कल के पीरियड में हमने लर्न किया है। यानी कि फाइनल इक्वेशन इस तरह से आया था, इस तरह से ये वाला फाइनल इक्वेशन, ओके, इस तरह से ये जो फाइनल इक्वेशन था इस तरह से आया था, यानी कि आई सी इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर बाय 12, इस तरह से, और एक बार आई सी इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर बाय 12, इस तरह से ये डेरिवेशन आया था। तो अभी जो नेक्स्ट का जो पार्ट है एम एल स्क्वेयर बाय 12, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमने डिटरमाइन किया था, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से गया था? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से सेंटर से पास हुआ था। यानी कि अगर एक ऐसा, अगर इस तरह से हम एक रॉड लेते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से अगर पास होता है, तो इस तरह से अगर ये रॉड रोटेशन करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाय 12, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इस तरह से आएगा। लेकिन अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? तो अब हमें पढ़ना है, देखो, मोमेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है और नीट एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, यानी कि लास्ट पीरियड में हमने, लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे सेंटर में से पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 आता है। लेकिन अगर इसका मोमेंट, यानी कि अगर ये रॉड हम इस तरह से इसे अगर रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। नहीं तो शो दैट ऐसा भी आ सकता है, क्यों ऐसा भी आ सकता है और पूछा भी जा सकता है कि शो दैट वगैरह, तो क्या रहेगा? तो देखो और एक बार, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन के जगह डिराइव भी रहेगा, एक्सप्रेस भी रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वन एंड से पास है, इस तरह से समझो, ये जो पेन है काली, ये पेन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा इमेजिन करो, समझो इस तरह से, और ये इस तरह से अगर रोटेट हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम डिटरमाइन करेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली दोस्तों, अगर आप जीनियस साइंस पे चैनल पे पहले है, प्रथम है, तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक इस चैनल की, इस वीडियो की लिंक पहुंचाएं, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे यानी कि 10th 11th 12th, यानी कि तीन क्लास में, 10th के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 11th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 12th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये इतना मैं पढ़ाता हूँ, तो सब बच्चों का बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, इसलिए इसकी लिंक अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और वीडियो को लास्टली लाइक करना ना भूले। अगर अभी आप देख रहे हैं तो अभी से ही वीडियो को लाइक करना शुरू करें, लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो देखने में आप इतना तल्लीन हो जाते, इतना घुलमिल जाते हैं कि सीधा सा एक लाइक करना भी आप भूल जाते हैं, ओके। तो कंसीडर अ थिन, अभी हमको क्या इमेजिन करना है, तो इमेजिन करना है, कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड, ऐसा इस तरह से एक रॉड ए बी है, ओके, ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ है एल, लेंथ है इसकी, लेंथ एल है, एंड मास कैपिटल एम है, यानी कि इस रॉड की लेंथ एल है और इसकी मास, इसका मास यानी कि जो टोटल मास है इसका, तो मास ऑफ दिस रॉड इज द कैपिटल एम है, ओके, और द रॉड कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस ओ, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से इस जगह से पास हो रहा है, वन एंड से पास होता है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से, वन एंड से पास होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा,
यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से पास हो रहा है। अगर ओ से पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ये हम डिटरमाइन करेंगे। तो बाद में ओ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ओके बराबर है, वन एंड से पास है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और लेंथ को ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि एक्सिस ये है और रॉड ऐसा रॉड इस तरह से घूम रहा है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रॉड की लेंथ, ये दोनों कैसे एक एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ओके। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस तरह से सेंटर में से पास होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास से अगर रॉड रोटेट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने तो कल डिटरमाइन किया, लास्ट पीरियड में डिटरमाइन किया ML स्क्वायर बाय 12, तो IC इक्वल्स टू ML स्क्वायर बाय 12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमने डिटरमाइन किया है। तो इसकी हेल्प लेके हम वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे, बहुत ईजी है। तो कौन सा, अगर दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको यहां अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल है। अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल है लेकिन ये लेंथ को परपेंडिकुलर है, लेंथ को परपेंडिकुलर है, इसका कुछ यहां सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली आपको सोचना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे और कहां से पास होते हैं और कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैसा आता है, ये आपको यहां देखना पड़ेगा। तो सपोज IO बी दी MI ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड, IO बी दी MI मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इस तरह से वन एंड से। आप बोलेंगे सर इस तरह से इस साइड से क्यों लिया, अगर इस साइड से लिया तो नहीं चलता क्या, भाई कौन से भी साइड से ले लो, खाली इक्वेशन डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ करो और जो लेंथ वगैरह दे रहा हूं मैं ये परफेक्टली ले लो, ओके। तो आगे क्या रहेगा, तो यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ओके ये भी पॉइंट क्लियर है। ये भी है ऐसी यानी कि सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इस तरह से पूछा गया है। तो दोस्तों अभी जो बच्चे लाइव है उनका एक बार थोड़ा सा नाम लेता हूँ मैं, अंबर कादरी कैसे आज सर, मी बहुत 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 अच्छा है दोस्तों, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं, ठीक है। अंबर कादरी सर यू आर ग्रेट, रियली मैं ग्रेट हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। अभी अभी मुझे आप बोले तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं रियली मी ग्रेट हूँ, तो वैसे कुछ नहीं रहता दोस्तों, ग्रेट वगैरह कुछ नहीं रहता, ईच एंड एवरी पर्सन इज ग्रेट, खाली खुद को कम मत समझना, तुम भी बहुत ग्रेट हो क्योंकि तुम भी अक्सर वीडियो देखते हो, यानी कि आप भी बहुत जीनियस साइंस को चिपके हो और आप भी कंटिन्यू, आपके भी वर्क में कंटिन्यूएशन है, इसलिए आप भी ग्रेट हो, ओके। अभिषेक हाय सर, मेरे पास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन 12th के सिलेबस के क्वेश्चन है, प्लीज़ आप वो सॉल्व कराएंगे क्या, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन मैं रनिंग में करूँगा, यानी कि उसके जो एग्जांपल्स वगैरह है वो रनिंग में मैं करने वाला हूँ, यानी कि जहाँ कहीं फार्मूला आएगा, फार्मूला आते वक्त तो उसका प्रॉब्लम है, वहीं करने वाला हूँ, वो आपको रनिंग में करूँगा केमिस्ट्री का। अभी अपना चैप्टर चालू है फिजिक्स का, ओके। आगे क्या है देखो, अगर ये ML स्क्वायर बाय 12 है तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें यहाँ अप्लाई करना होगा, ओके। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमने h लिया था, अभी भी यहाँ h ले रहे हैं, और जो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पढ़ाया वहाँ भी मैंने h लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसिडर h इज इक्वल्स टू L बाय 2, दिस इज L, दिस इज नॉट 1, इट इज फील एज लाइक 1 बट इट इज दी L, ओके। थोड़ा सा फॉन्ट अलग सा ले लिया है, फॉन्ट यहाँ एरियल लेने की वजह से थोड़ा सा 1 दिख रहा है यहाँ, तो ये यह है L है दोस्तों, ओके। H इक्वल्स टू L बाय 2 विद द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ये, कितना है L बाय 2, क्यों L बाय 2 है आपको मालूम है, आपको पता है, आपको मालूम है कि ये टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड वी हैव टेकन एज L, ये पूरे रॉड की लेंथ है L है, और सेंटर में से यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और रॉड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास भी मास भी सेंटर में आता है, अगर सेंटर में आता है तो दोनों साइड उसकी लेंथ रहेगी L बाय 2 रहेगी, तो L बाय 2 रहेगी, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस वी हैव टेकन एज द हियर h, ओके। तो बाद में क्या है,
तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ का, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी कि अगर दोस्तों दो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर पैरेलल है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेगा करना पड़ेगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसमें उसे पर यानी कि उसमें से पैरेलल है, अगर उसी बॉडी में से पैरेलल है और दूसरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, तो वहां आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से समझो, ये रॉड है और ये रॉड शुरू में हमने क्या किया, अगर ये रॉड इस तरह से रोटेट हो रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओके। और यही एक्सिस ऑफ, अगर यही रॉड एक वन एंड के वन एंड से रोटेट करने के बजाय अगर इस रॉड को हम इस तरह से रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास से अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ मास से, और दूसरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं तो इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा अंदर में से पास होता है और बॉडी इस तरह से रोटेट होती है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर में से पास होता है इस तरह से। अगर पास होता है तो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो आपको यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आप इसका जो कुछ भी फाइनल इक्वेशन रहेगा वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन वन एन से है और सेंटर ऑफ मास से है, तो यहाँ आपको परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, दो एक्सिस पैरेलल है। सो अब यहाँ क्या रहेगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन आपको मैंने दिया है, वो है आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर है, यानी कि इस तरह से आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के बजाय आप यहाँ एम एच स्क्वायर लिए तो भी चलेगा, एम एच स्क्वायर, क्योंकि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको एच दिखाया है, तो आप यहाँ एच लिख सकते हैं, ओके। आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ओके। तो ये रहेगा, बाद में क्या रहेगा, तो इसके बाद आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास का, अगर सेंटर ऑफ मास से बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये आपको पता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये मैंने आपको डिटरमाइन करके दिया है जो सेंटर में से है तो, ओके। और ये एम आर स्क्वायर है, तो एम आर के बजाय यहाँ आपको एच लेने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मैंने एच लिया है, तो एच इक्वल्स टू क्या है, तो एच इक्वल्स टू एल बाई टू है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो ये रहा एम, तो इस तरह से ये एम ही आएगा, तो आर स्क्वायर के बजाय आपको यहाँ लेना पड़ेगा एल बाय टू, और यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका भी आपको आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ओके। ये लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई ओ इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय, इसका स्क्वायर करने के बाद ये एल का स्क्वायर आएगा और ये टू का स्क्वायर फोर आएगा, ओके। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एम एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी एम एल स्क्वायर है, तो आपको एलसीएम डिटरमाइन करना पड़ेगा, बरोबर है ना। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम यानी कि ऐसी एक टर्म ढूंढनी पड़ेगी कि 12 और 4 को एक इक्वल, इसके बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, 12 भी लिए तो चलता, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 करने की कोशिश करो, अगर आप यहाँ 12 करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी कि अंश और छेद है, तो ये दोनों को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ओ इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 3 एम एल स्क्वायर बाय 12, ओके। इसका डिनोमिनेटर क्या आता है, डिनोमिनेटर क्या है इसका, 12 आया, तो डिनोमिनेटर 12 आने के बाद ये कांस्टेंट आएगा, ये कॉमन आएगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 ले लेंगे, तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 3, तो आई ओ इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड, इस तरह से अगर वन एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस तरह से मिलेगा। यानी कि बच्चों इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो कॉमन एग्जाम्पल मैंने अभी तक दिया है, विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगर कंपैरिजन करने के लिए एक रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो है और उसकी लेंथ कुछ तो है, और दूसरा एक रॉड है उसकी लेंथ पहले से ट्वाइस है,
देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले से ट्वाइस है तो सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। रॉड तो वही है, मास तो वही है, बस उतना ही है, खाली उसकी लेंथ में बदल कुछ तो चेंजेस करे होंगे, लेंथ में मास उतना ही, खाली लेंथ बदल दी होंगी। अगर लेंथ बदल, यानी कि अगर वही है उसी मास का अगर रॉड लेंथ में बदल देते हैं तो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मास सेम है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए आपको यहां एक कॉमन इक्वेशन इस तरह से आ सकता है। तो आई वो डिवाइडेड बाय आई वन ले लेंगे, ओके। लेंथ चेंज है तो पहली की लेंथ आपको एल जीरो लेनी पड़ेगी, फर्स्ट वन की कुछ तो एल वन ले लो, कुछ तो ले लो, एल जीरो लेनी पड़ेगी, और सेकेंड की आपको लेंथ लेनी पड़ेगी एल टू। दोनों का कंपैरिजन करो, आपको पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि आप इसका जो कुछ भी है वैल्यू वो आप डिटरमाइन करें। लेंथ अगर ट्वाइस है तो समझो सेकंड की लेंथ अगर ट्वाइस है फर्स्ट से, तो एल टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल वन, ऐसा लेना पड़ेगा, ओके। और सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो ऐसा आपको वैल्यू अगर दी होगी तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मास दिया है तो मास से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है, यह है टोटल रॉड का मास है, दिस कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द रॉड। अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ दी गई है तो भी आपको यहां डिटरमाइन करना पड़ेगा, और इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, मैंने आपको दे दिया था कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, ओके। इसके बाद हम लास्ट वन क्या रहेगा, तो ये डिटरमाइन करके दिया है मैंने, इस तरह से इक्वेशन आएगा, ओके। तो सेकंड स्टेप क्या आती है इसके बाद इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा, यानी कि के बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको मैंने जनरली बता दिया है। तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए के आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ये ऐसा इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। अगर आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिखते हैं तो एम एंड एम गेट कैंसिल हियर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री आएगा। तो उसके बाद के स्क्वायर के बजाय हम यहाँ स्क्वायर रूट अगर डिटरमाइन करेंगे तो एल आएगा, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री वैल्यू आएगी, बराबर है, अंडर रूट थ्री, समझ लेना, ओके। तर और एक बार बताता हूं मैं आपको, के इज इक्वल्स टू एल, यानी कि एल का स्क्वायर निकाले हमने तो अंडर रूट थ्री आएगा, ओके। और रेडियस ऑफ गायरेशन भी कंपेयर करके आपको इसकी यानी कि लेंथ डिटरमाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन इसका K1 है, अगर दूसरे का K2 है, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो L1 बाई L2, इस तरह से इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा। लेंथ ट्वाइस, रेडियस ऑफ गायरेशन ट्वाइस, हाफ, क्वाड्रुपल, फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स, टेन टाइम्स, ऐसा कुछ तो भी आपको एक थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा सा एक दिशा देने के लिए, कुछ एक काम देने के लिए, कुछ तो भी सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारा ऐसा इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑफ अ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ओके। इसके बाद देखते हैं हम क्या, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम रॉड के दो पॉसिबिलिटीज, यानी कि ये एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम के जैसे एक प्रॉब्लम के व्यू से भी पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, ओके। तो यहां क्या रहेगा, एम आई ऑफ रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या रहेगा, देखो, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां है, शो दैट एम आई ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे, या मिडवे बोले तो मिडवे, दिस इज नॉट बिडवे, दिस इज द मिडवे। तो मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मिडवे बोले तो वन एंड एंड सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच का पॉइंट, यानी कि इस तरह से ये देखो। अब यहां मैंने यहां एक रॉड दिया, ए बी रॉड है, तो ए बी रॉड का ए बी यानी कि ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके। और ये वन एंड है, ये वन एंड इधर से इस तरह से आने वाला ये वन एंड है, इस तरह से अगर ये दोनों में से अगर जाता है तो दोनों का सेंटर कौन सा रहेगा, तो ये है, तो इसे हम कहते हैं मिडवे। मिडवे के लिए हम यहां लिखते हैं आई शो दैट, कहा है यहां शो दैट बोले तो इस तरह से आपको यहां शो करना है। और जो पीछे जो मैंने अभी अभी जो इक्वेशन आपको दिया था
ये भी इक्वेशन इस तरह से पूछा जा सकता है. शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड इज ml स्क्वायर बाय 3. शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज ml स्क्वायर बाय 3. इस तरह से पूछा जा सकता है. इसके बाद क्या है, ml स्क्वायर बाय 7 ml स्क्वायर बाय 48. तो एम आई ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट बिटवीन वन एंड एंड सेंटर ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. थोड़ा सा जल्दी लेता हूँ, ये मिडवे आपको तो समझ में आया होगा. ये वन एंड है, ये वन एंड है, ओके ये वन एंड है और ये सेंटर है. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये है बीच का सेंटर ऑफ पॉइंट, दिस वन इज सेंटर, ओके. तो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है. तो आगे का क्या रहेगा, तो आपको यहां कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेगा, जो कुछ भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको पूछता हूं. यहां आपको कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा बोलो. जो कुछ बच्चे लाइव है, जो कुछ बच्चे देख रहे हैं मैं उनको पूछ रहा हूं कि यहां कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, लेकिन ये जो दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है. सो आपको यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. तो सेंटर का एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला आईसी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12 है. तो इसके बाद आई एम इक्वल्स टू एम आई मिड पॉइंट से है, तो वन एंड मिड पॉइंट कहां से, वन एंड एंड सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच का. अगर मिड पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा आपको पता है, आपको मालूम है कि ये टोटल रॉड की लेंथ है एल है. वन एंड की अगर आप लेंथ डिटरमाइन करेंगे निकालेंगे तो ये रहेगी एल बाय 2, और इसको भी आप अगर हाफ करते हैं तो एल बाय 2 इंटू 1 बाय 2 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एल बाय 4. यानी कि इसकी लेंथ आएगी एल बाय 4 आएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये आएगा. और ऑब्वियसली आपको पता है जो इसके पहले जो वीडियो, इसके पहले जो बीट है वहां आपने देखा है कौन सा थ्योरम आप यहां अप्लाई करते हैं, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम आप यहां अप्लाई करते हैं. तो पैरेलल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, ओके एम आई ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन एंड एंड द सेंटर ऑफ रॉड, तो वो क्या रहेगा, तो आई एम से आपको डिटरमाइन करना है. तो आई एम से डिटरमाइन करने के लिए आपको आई एम, पहले मैंने आई ओ दिया था, आई ओ इसलिए दिया था कि वो वन एंड से था. अब यहां आप क्या कर रहे हैं, मिडवे से है, मिडवे इसलिए यम, यम से आई एम. तो यहां आई सी प्लस यम एच स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं. क्या है, आई एम इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जो मैंने आपको यहां दिया है. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एच है, ओके okay? अगर एच है तो आई सी का इक्वेशन कितना है, सेंटर में का सेंटर ऑफ मास का एम एल स्क्वायर बाय 12 है. ये आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर सेंटर में से एम एल स्क्वायर बाय 12 है तो एम एच स्क्वायर, तो एच की कितनी आई, तो एल बाय 4 है. अगर एल बाय 4 है तो दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आगे की स्टेप क्या रहेगी, तो आई एम इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 16 आएगा, ओके ये 16 आएगा. तो 16 आने के बाद आगे का क्या करेंगे आप, तो इसका एलसीएम अगर आप डिटरमाइन करते हैं तो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 16 आएगा. तो इसके बाद ये रहेगा, ये देखो 16 16 16 2 32 16 2 32 16 3 48 12 12 12 24 36 12 4 48, यानी कि 48 इसका एलसीएम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर यहाँ 48 लेते हैं तो यहाँ आएगा 48 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, यानी कि यहाँ रहेगा 4 एम एल स्क्वायर, और 16 है तो 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 3 एम एल स्क्वायर. इनकी अगर आप बैरिज करते हैं, एडिशन करते हैं, तो आपको मिलेगा ये फाइनल वैल्यू, इस तरह से आएगी आई एम इक्वल्स टू 7 एम एल स्क्वायर बाय 48. ये आपको यहाँ पूछा था इस तरह से 7 एम एल स्क्वायर बाय 48. दोस्तों ये हाथ से लिखने के बजाय मेरे पास, मैंने ये रेडी करके रखा है,
रेडी करके मेरे पास ये मटेरियल मैंने रेडी करके रखा है, इसलिए क्लिक करते मेरे सामने आता है और फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे चल सकता हूँ। तो हाथ से लिखने में जो कुछ भी टाइम जाता है वो टाइम जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट होने वाला टाइम यहाँ आप थोड़ा सा कंज्यूम यानी कि प्रिजर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, इसलिए मैं ये इस तरह से ले रहा हूँ। तो एक ऐसा एक पेन से भी मैं लिख के आपको यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन नोट्स का ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, आपको अच्छी तरह से मैं एक अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन करके ले सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू मिडवे बोले तो वन एंड एंड सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच का जो कुछ भी पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम मिडवे कहते हैं। क्वाड्रोट्रॉपी कहा जाता सकता है, यानी कि आपको इस तरह से यहां से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछा जा सकता है, मींस इन बिटवीन देखो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड मिडवे। देखो कैसा सेंटर ऑफ मास एंड मिडवे दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास एंड मिड पॉइंट, मिडवे के बीच, मिडवे के बजाय आपको ऐसा एक वर्ड दिया जाएगा सेंटर ऑफ मास एंड मिड पॉइंट इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इन बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड मिड पॉइंट ऑफ वन एंड। इस तरह से तो अगर आपको लेना है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, ये रहेगा आपका एल बाय फोर आया है तो इसे आपको हाफ करना पड़ेगा, इसे आप अगर हाफ करते हैं तो ये आएगा एल बाय फोर इंटू वन बाय टू तो दोनों का आएगा एल बाय एट आएगा। तो एल बाय एट आने के बाद आपको यहां जो एल बाय फोर है ये फोर के जगह आपको एट लिखना पड़ेगा और ये एट के जगह यहां जो सिक्सटीन है ये सिक्सटीन के जगह आपको 84 लिखना पड़ेगा और इसका जो कि एलसीएम वगैरह निकाल के आप फाइनल इक्वेशन यहां डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये दोनों ही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर इसमें कुछ और भी कुछ डाउट है और भी कुछ डिफिकल्टीज है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, नहीं तो मेरा ये नंबर है, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7385597070 ये मेरा नंबर है, तो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना, एक कॉल के लिए नंबर नहीं है मेरे पास, ये कॉल के लिए नहीं, खाली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कुछ वीडियो कुछ लिंक्स है तो ये नंबर आप आपके ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं तो ग्रुप में भी मैं आपको भेज सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए हम इस वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं कल शाम को फिजिक्स के लिए 8 बजे, केमिस्ट्री के लिए हम मिलेंगे दोपहर 2 बजे 12th के लिए, और जो कुछ भी 11वीं के बच्चे होंगे उनके लिए मैं कहता हूँ कि 12 बजे हम केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे और फिजिक्स के लिए शाम 6 बजे मिलेंगे। अगर कोई बच्चे 10वीं का भी अगर देख रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि 10वीं के लिए सुबह 10 बजे मिलेंगे। अभी के लिए ठहरते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।